भैया बहनों, एक क्रेजी फॉर रियलिटी चैनल बहुत बढ़िया है, इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों समय बहुत खराब चल रहा है और टीवी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही खराब चल रहा है। अभी तक क्या होता था कि फिल्म इंडस्ट्री में कई बार बड़ी बड़ी फिल्में एक के बाद एक करके मतलब बैक टू बैक फ्लॉप हो जाती थी, लेकिन टीवी इंडस्ट्री सदाबहार इंडस्ट्री मानी जाती है। लेकिन वो कहावत है ना कि चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट, तो दोस्तों टीवी इंडस्ट्री की दुनिया भी चेंज होने लगी है। जहां टीवी के सुपरस्टार कपिल शर्मा का मोस्ट अवेटेड टीवी शो मात्र 3 एपिसोड के बाद ही बंद हो जाता है, तो वहां बेचारे बाकी के टीवी शो से क्या उम्मीद करेंगे। खैर दोस्तों, मुझे लगता है कि टीवी इंडस्ट्री का डाउनफॉल धीरे धीरे और भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पीछे मैं सिर्फ एक कारण मानता हूं, और वो है डिजिटल मीडिया, वेब सीरीज वगैरह। अब दोस्तों एक बात बताओ, टीवी पर क्या होता है, एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से एक सीरियल देखना पड़ता है, और वहीं डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो, ट्रेन में, बस में, बाथरूम में, किचन में, जैसे मर्जी वैसे देख सकते हो। ऊपर से शो मेकर्स को भी माता पच्ची नहीं रहती कि भाई नया एपिसोड रेडी नहीं है, जल्दी जल्दी शूट करो, जल्दी जल्दी एडिट करो, जल्दी जल्दी रेडी करो। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आराम रहता है, जब एपिसोड रेडी हो जाए तब अपलोड कर दो, और जब ऑडियंस को टाइम मिलेगा तब ऑडियंस देखेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि टीवी पर कंटेंट को लेकर कुछ बाउंडेशन रहती है, कुछ लिमिट्स रहती है, आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते, सेंसरशिप रहती है, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मेकर्स आजाद होकर अपना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ता जाएगा टीवी इंडस्ट्री पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों टीवी तो टीवी है, पूरी फैमिली के साथ बैठकर टीवी पर शो देखने का जो मजा है वो डिजिटल मीडिया पर नहीं है। खैर दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कपिल के शो के अलावा अगले 1-2 महीने के अंदर ही टीवी के 12 शो यानी 1 दर्जन शो बंद होने वाले हैं। मैं बताता हूँ वो कौन कौन से शो हैं। पहला है तू सूरज मैं सांझ पिया जी, ये शो जून के पहले वीक में ऑफ एयर हो जाएगा। दूसरा दिल से दिल तक, ये जनवरी 2017 में शुरू हुआ था और 28 मई को इस शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। तीसरा है चंद्रकांता, ये जून 2017 से शुरू हुआ था और इसी मई में इसका एंड कर दिया जाएगा। नागिन 3 इसी को रिप्लेस करेगा। चौथा है पिया अलबेला, ये मार्च 2017 में शुरू हुआ था और टीआरपी कम होने की वजह से इस शो को भी जून में ऑफ एयर कर दिया जाएगा। पांचवा है वो अपना सा, इस शो को भी जून में बंद कर दिया जाएगा। छठवा है बढ़ो बहु, इस सीरियल को सितंबर 2016 में शुरू किया था, टीआरपी अच्छी थी लेकिन फिलहाल ये शो काफी पीछे चल रहा है, इस वजह से इस शो को भी जून में बंद कर दिया जाएगा। सातवा है लाडो 2, ये नवंबर 2017 में शुरू हुआ था लेकिन टीआरपी नहीं मिली, फ्लॉप होने की वजह से इस शो को 25 मई से बंद कर दिया जाएगा। आठवां है एक दीवाना था, ये शो मई में ही बंद कर दिया जाएगा। नौवां है नामकरण, ये सितंबर 2016 में शुरू हुआ था, इस शो की टीआरपी भी अच्छी खासी थी लेकिन बाद में टीआरपी को मेंटेन करना मुश्किल हो गया था और ये पिछड़ता ही जा रहा था, इसीलिए इस शो को भी मई में बंद कर दिया जाएगा। दसवां है रिश्ता लिखेंगे हम नया, कम टीआरपी के कारण इस शो को भी मई में बंद कर दिया जाएगा। ग्यारहवां है इक्यावन, ये भी नवंबर 2017 में शुरू किया गया था और इस शो को भी जून में ऑफ एयर कर दिया जाएगा। बारहवां है चंद्रशेखर, इस शो को तो मार्च 2018 में शुरू किया गया था और इसे भी जून में ऑफ एयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।